अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज मैं ऐसे ही निकला था, राइड पे निकला था, थोड़ा सा काम पड़ गया था मुझे घर का, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि यहीं से आज एक और ब्लॉग बनाता हूँ, जा रहा हूँ। तो अभी तो मैं यहाँ से यू टर्न ले रहा हूँ, तो फ्रेंड्स अभी मैंने पेट्रोल भी डलवाया, तो पेट्रोल पंप के पास अब यहाँ से यू टर्न लेके जा रहा हूँ मैं। लास्ट के व्लॉग में मैं बाईपास रोड से गया था, इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ सीधे कंबरवारी रोड से, देखेंगे कंबरवारी में कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। आऊँगा मैं, मतलब जैसे अभी ये ट्रैफिक चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है आज, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं ट्रैफिक जाम में फंसने वाला हूँ, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा है कि आज तो तू ट्रैफिक जाम में फंसेगा यार। अभी देखते, तो अभी तो मैं बस स्टैंड के नज़दीक हूँ। इंशाल्लाह आज का दिन भी मेरा बहुत ही बढ़िया जाएगा, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा है मुझे कि जिस जिस दिन मैं ब्लॉग पे जाऊँगा ना, तो उस दिन मेरा ना पूरा दिन अच्छा जाए। बस खुदा से मेरी यही दुआ है कि उसे दिन अच्छे जाने चाहिए। लो जी, इसकी बात मैं कर रहा था और सामने ट्रैफिक जाम हो गया। आधे लोगों को ना, बस वाले को, सुमो वाले को ना जाना है राइट साइड पे, तो अभी देखूंगा मैं। हाँ जी, इसी का जाम लगा था, इसकी वजह से जाम लगता है यहाँ पे। जब से ये मतलब बस स्टैंड यहाँ पे आया, तब से यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम बहुत होते हैं। और देखो ये तवेरा वाला भाई, लेफ्टी भी देखा करो यार, कोई मत ना जा रहा है यहाँ से, कि मतलब दिल करता है कि यहाँ से गुजरूँ ना, पर क्या करूँ, जैसे सबको पता है मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी, गुजरना पड़ता है इन रोडों से। मतलब इसकी फेंसिंग जो है कितनी ज़्यादा कम है, मतलब अगर खुदा ना करे किसी को थोड़ा सा भी चक्कर आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो सीधे पानी में गिर जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी फेंसिंग बहुत ही छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसकी वजह अक्सर यहाँ पे बाइक वालों को रोकते हैं, चेकिंग करते हैं या तो सीज़ करते हैं बाइक को। यहाँ पे थोड़ा सा ना ध्यान से चलना है, क्योंकि जो यहाँ की पुलिस है कभी भी हाथ दे सकती है, साइड में रोक सकती है, इसकी वजह से धीरे जाएंगे। वैसे भी तो मैं तेज़ नहीं चलता हूँ। ये देख लो फ्रेंड्स, पुलिस वाला सामने आ गया था पर मुझे नहीं रोका, पीछे मेरे एक बाइक थी उसको रोका। आएगा यहाँ से, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ। अंकल जी से साइड लेते हैं, ये फ़ोन पे बात कर रहे थे अंकल जी, एक हाथ से ये गाड़ी चलाते हैं, दूसरे हाथ से ये फ़ोन यूज़ करते हैं। बहुत गलत बात है, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है इस चीज़ से, तो आपने आपका भी ख्याल रखे और पीछे जो पैसेंजर बैठा है तो उनका भी ख्याल रखे, फ़ोन को ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर फ़ोन को यूज़ ही करना है तो साइड में गाड़ी रोक सकते हैं, तो फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। करे जा रहा है स्कूटी पे, अंकल जी तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कैसे स्कूटी चला रहा था, बस ठोकने वाला था पर बार बार बच गया मैं। आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, पुलिस वाला बीच में आ रहा है, अंकल जी ने ठोकने की कोशिश की यार। अरे यार, यहाँ से रोड बंद है यार, तो ये फ्रेंड सिंपल सी बात है ना, अगर इनको मतलब वहाँ पे कट नहीं रखना था तो स्टार्ट में क्यों बनाया कट, आज तो बैरिकेड्स लगाए हैं इन लोगों ने, रोप लगाई है, आप देख रहे हैं, ये देख लो रॉन्ग साइड से कहाँ जाना है भाई साहब।
तो फ्रेंड्स अभी मैं चला यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ का व्यू लेते हैं, यहाँ का सीन भी देखेंगे। यहाँ भी कोई कुछ मतलब होगा क्योंकि आजकल भरोसा ही नहीं है। आज मेरे साथ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। गाड़ी भी स्लो जा रही है, अब तो ये बेचारा तेज़ नहीं जा सकता है। हो भाई साहब, ऑटो वाले ने क्या ही स्पीड पकड़ी, तो पीछे उसके दो बंदे हैं, वो बेचारे उछल रहे हैं पीछे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम।